तो देखिए एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोगों को तो पता है कंडक्टिविटी होता क्या है, तो पहले से भी आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो आपने रेजिस्टिविटी पढ़ा होगा E बाई जे, तो वन बाई रो कितना हो जाएगा, जे बाई ई हो जाएगा, और सिग्मा कितना होता है, वन बाई रो, तो जे बाई ई, तो सिग्मा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जे बाई ई, और जे विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, और यही सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी होती है। ओके, चलिए कंडक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन तैयार करते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए तो आइए देखता हूं। तो मैंने एक कंडक्टर लिया बच्चों, एक सेमी कंडक्टर लिया, एक सेमी कंडक्टर मैंने लिया। सेमी कंडक्टर की जो लेंथ थी वो कितनी है, L है, ठीक। इस सेमी कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सप्लाई कर दिया, लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ये प्लस है माइनस है, तो इसमें क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इधर की ओर मूव करेंगे, इधर की ओर मूव करेंगे, और जो होल हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इस होल एंड करंट की वजह से हमारे पास क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा, एक होल करंट होगा और एक क्या होगा, करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो नेट करंट बताइए, तो इसके बाद देखिए मैंने लिखा क्या लिखा, ये देखिए, लेट अस कंसीडर अ सेमीकंडक्टर हैविंग लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A, एंड लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पर यूनिट वॉल्यूम प्रेजेंट इन द सेमीकंडक्टर। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक करंट IE एंड होल करंट IH फ्लो इन द सेमीकंडक्टर देन अकॉर्डिंग टू फिगर। और ये फिगर मैंने बना रखा, ये यहां पर देखिए, द नेट करंट बताइए, द नेट करंट यानी ड्यू टू होल एंड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, IE प्लस कितना हो जाएगा, IH हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपको पता, अभी पिछले क्लास में ड्रिफ्ट करंट मैंने निकाला था, वी नो दैट आई विल बी इक्वल टू क्या होता है, ANEVD, ये था ना। अगर फॉर N टाइप के लिए कहूं, N टाइप के लिए यानी इलेक्ट्रॉन के लिए, N टाइप में किसकी मेजॉरिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की होती है, तो इसे चाहे आप IE लिखो चाहे IN लिखो, तो मैंने IE लिख दिया, ANEVE लिखो चाहे, मैंने आपसे बताया था, कंफ्यूज तो नहीं होगे ना, चाहे VL लिखो चाहे VE लिखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं क्या लिखूं, या नहीं लिखूं, यन मैं लिखता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। तो यहां यन मैंने लिखा, यही हमारा IE है, तो ANE और क्या हो जाएगा, ANEVN हो जाएगा। फॉर P टाइप के लिए, P टाइप में क्या होता है होल होता है, तो IP यानी IH विल बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ANHE और VH हो जाएगा, ठीक, ये लिख सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट I will be equals to IE plus कितना IH, ठीक है ना। तो I will be equals to ANEVN लिखो,
वीए लिखो चाहे वीई लिखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्लस क्या हो जाएगा, ए एन एच, एन एच की जगह आप लोग पी भी लिख सकते हैं आप लोग, ओके, ए एन एच इंटू कितना हो जाएगा, पी एच हो जाएगा। तो अब बताए आप लोग कॉमन क्या है, यहां मैं ई भूल गया, ए एन एच ई वी एच, और एन एच बिल भी इक्वल टू आप लिख सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। तो आई बिल भी इक्वल टू ए ई कॉमन है, ए ई कॉमन है, ओके। जब ए ई कॉमन है तो बताइए क्या, एन हो जाएगा, वी एन हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, एन एच हो जाएगा, वी एच हो जाएगा। तो आई बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ई हो जाएगा एन वी एन प्लस एन एच वी एच होल एन, मतलब इलेक्ट्रॉन एन टाइप, ठीक है ना, पी टाइप भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं ना, तो कंफ्यूज तो नहीं होगे ना। तो ये क्या होता है हमारा, जे बिल बी इक्वल टू क्या, आई बाई ए, ये क्या हो गया, जे हो गया, ई हो गया, एन वी एन प्लस एन एच और वी एच, एनी प्रॉब्लम किसी को, आप लोग इसी को ये लिख सकते हैं आप लोग, जे बिल बी इक्वल टू ई लिखा मैंने, एन वी एन प्लस पी और क्या, वी पी, पी मतलब पी टाइप, ये पी मतलब पी टाइप, ऐसे भी लिख सकते हो, तो किसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं आप लोग, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिखते हो। एनी प्रॉब्लम किसी को, हो गया बच्चों, आगे चलता हूं। तो अब देखिए, तो जे विल बी इक्वल टू, जे विल बी इक्वल टू हमने क्या लिखा, ये मैंने कॉमन लिया और क्या लिखा, एन वी एन प्लस कितना, एन एच, एन एच लिखा और वी एच लिखा ना, तो जे विल बी इक्वल टू, अब बताइए अब मैं क्या करूं, दोनों तरफ ई का मल्टीप्लाई कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड कर दूं, ई बाई देखो एन वी एन बाई ई प्लस एन एच वी एच बाई ई हो जाएगा, और जे बाई ई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा एन। आप लोग बताइए ये वी एन बाई ई क्या है, दिस इज मोबिलिटी है, क्या है, मोबिलिटी है, यन टाइप के लिए तो यन लगा दिया, तो ये म्यू यन हो गया प्लस यन एच और क्या, म्यू एच हो जाएगा। ठीक, तो अब बताइए ये क्या है, दिस इज व्हाट, जे वाई ई क्या है, सिग्मा, यार बच्चों सिग्मा विल बी इक्वल टू ई हो जाएगा, यन हो गया, म्यू यन हो गया, एन एच हो गया और म्यू एच हो गया। ठीक, तो आपने देखा ये चीज, ठीक है ना, तो ध्यान सुनना, और इसे आप लोग क्या करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा विल बी इक्वल टू ई, कुछ लोग यन की जगह यन ई लिखते हैं, और म्यू की जगह म्यू ई लिखते हैं, और एन एच और म्यू एच, ठीक। टाइप नहीं लिख सकते, तो ये हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें होल्स होते हैं, ये मैंने ऐसे लिख दिया, किसी भी वैरायटी में आप लिख सकते हैं, बस आपकी समझ होनी चाहिए बस, अब ऐसा कि नहीं आप ऐसी चीज लिखो कि जो आप समझ ना पाए, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करता हूं, यही फार्मूला, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है ना। अब देखिए, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर,
एंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की आपको पता है Ni Ne बराबर क्या होता है NH होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स क्या होता है एंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के क्या होता है इक्वल होता है, तो हम सिग्मा विल बी इक्वल टू रख लेते हैं। तो बताइए सब जगह एन आई म्यू ई प्लस एन आई म्यू एच तो क्या हो जाएगा एन आई कॉमन हो जाएगा, म्यू ई प्लस कितना हो जाएगा म्यू एच हो जाएगा। एंट्रेंसिक के लिए पूरी कहानी में लिखूंगा। ओके बच्चों, अच्छा आगे चलता हूं, नोट हो गया। जी सर। तो चलिए अब देखिए फॉर एन टाइप के लिए, केवल एन टाइप के लिए मैं क्या कहूं, आप जानते हैं उसमें एन टाइप में यानी क्या होता है वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या होता है एनएच होता है, यानी मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और माइनॉरिटी ऑफ होल्स होता है। तो हम इस टर्म को क्या कर देंगे छोड़ देंगे होल्स को, तो सिग्मा एन टाइप मैं क्या लिखूंगा यानी ई और म्यू ई, ठीक इसी को और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एन टाइप, अगर टाइप की बात करते एन लिखूंगा ई लिखूंगा म्यू एन लिखूंगा, चाहे वो लिखो चाहे ये लिखो, ठीक। अब फॉर बताइए फॉर, अच्छा एक चीज और बच्चों, यानी क्या होता है पता है एनडी हो जाता है, एनडी क्या होता है डेंसिटी ऑफ आयनाइज्ड डोनर एटम। मैंने डोनर एटम की बात कही थी, हमने डोनर एटम की बात बताया था ना, उसे हम लोग एनडी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा एन टाइप तो क्या हो जाएगा, तो जहां यानी है वहां हम क्या कर देंगे यानी या यन जहां है वहां हम क्या कर देंगे एनडी करेंगे, एनडी इंटू ई और म्यू ई, म्यू ई या म्यू एन जो भी लिखना वो लिखेंगे हम, ठीक। तो यहां से जो चीज आप निकालना चाहे निकाल सकते हैं, अगर डोनर एटम की वैल्यू निकालना चाहते तो सब ट्रांसफर कर दीजिएगा, ठीक। अब देखिए फॉर पी टाइप के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है बच्चों, फॉर पी टाइप के लिए हम क्या करें सिग्मा पी टाइप, आगे पेज में लिखता हूं, फॉर पी टाइप सिग्मा, तो पी टाइप में क्या होता है एनएच वेरी वेरी ग्रेटर देन यानी होल की मेजॉरिटी होती है, तो सिग्मा पी टाइप में क्या होगा एनएच ई और क्या म्यू एच, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं इसे सिग्मा पी टाइप है तो पी हो जाएगा ई हो जाएगा म्यू पी हो जाएगा, ठीक। अच्छा एक बात और, अगर मैं आपसे कहूं एनएच क्या हो जाएगा एनए हो जाएगा, एनए मतलब डेंसिटी ऑफ आयनाइज्ड एक्सेप्टर एटम, आयनाइज्ड एक्सेप्टर एटम तब क्या हो जाएगा सिग्मा पी टाइप क्या हो जाएगा एन की जगह एनएच की जगह क्या हो जाएगा एनए हो जाएगा ई हो जाएगा और म्यू एच क्या है मोबिलिटी ऑफ होल है। ओके बच्चों, ये सारी बातें हमको याद रहें, भूलेंगे तो नहीं, बहुत काम की चीज है। Thank you.
ये भी और इससे पहले जो मैंने किया। चलो बच्चों आगे, ये पी टाइप हो गया, एन टाइप हो गया। अब कुछ एक स्टार पॉइंट करके लिखूंगा। चलो वी नो दैट मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ जानते हैं ना, एन आई स्क्वायर मतलब यानी इनटू एनएच इलेक्ट्रॉन इनटू होल था क्या। तो अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना हो तो क्या करेंगे हम यहां पर, यानी विल बी इक्वल टू एन आई स्क्वायर बाय कितना एनएच हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो क्या कर देंगे हम, एनएच हो जाएगा, होगा ना। लेकिन और एनएच विल बी इक्वल टू हमको दिया हो क्या, होल में क्या करते हैं हम, एक्सेप्टर एटम रखते हैं ना, यानी हाँ होल की जगह इसकी जगह क्या होगा, ए हो तब क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन आई स्क्वायर बाय कितना यानी हो जाएगा, मतलब किस टर्म में, एक्सेप्टर के टर्म में। अब कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन ऑफ होल तो एनएच विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एन आई स्क्वायर बाय यानी, और यानी विल बी इक्वल टू क्या होता है एनडी होता है, एनएच विल बी इक्वल टू एन आई स्क्वायर बाय कितना एनडी, ये मैं रख दूंगा। ओके बच्चों, ये फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है। ओके खोलोगे तो नहीं, आई थिंक आपको। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन देखिए, प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन यानी एंड होल एनएच कंसंट्रेशन ऑफ 1.5 इनटू 10 द पावर माइनस 3। कह रहा होल और इलेक्ट्रॉन क्या है, इक्वल है, इसका मतलब Ni will be equal to Ne will be equal to Ns, यानी इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है ना, यदि 1.5 इंटू 10 पावर 16 पर मीटर क्यूब, इसका मतलब यही हुआ ना, होल और होल एंड इलेक्ट्रॉन क्या है, इक्वल है। डोपिंग बाय द इंडियम इंक्रीजेस Nh, यानी Nh आपको दिया हुआ है 4.5 इंटू 10 पावर 22 पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट द यानी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डोप्ड सिलिकॉन, डोप्ड सिलिकॉन में यानी कितना हो गया, बस हो गया। आपको पता है यार बच्चों, पता है ना, वी नो दैट क्या होता है, एन आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू यानी इनटू एन एच, यानी निकालना है एन आई स्क्वायर बाय कितना एन एच, रख दो वैल्यू और निकाल लो आंसर।
यानी विल बी इक्वल टू एन आई स्क्वायर बाई एन एच, यानी 1.5 इंटू 10 की पावर कितना था 16 का स्क्वायर बाई ये 4.5 इंटू 10 की पावर 22, कैलकुलेट कर लो 5 इंटू 10 की पावर 9 पर मीटर क्यूब आएगा, यानी सिंपल है ना। ऐसे ही प्रॉब्लम्स मिलेंगे आपको इसमें, ठीक। तो इन छोटे छोटे फॉर्मूले पर प्रॉब्लम्स मिलेंगी, तो कभी डोनर एटम निकालने के लिए आएगा, कभी एक्सेप्टर निकालने के लिए आएगा, तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और ध्यान रहे यही फॉर्मूले अप्लाई होंगे, ओके। तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, फाइंड द डेंसिटी ऑफ इंप्योरिटी एटम। ध्यान सुनना क्या पूछ रहा है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ इंप्योरिटी एटम दैट मस्ट बी एडेड टू इंट्रिंसिक सिलिकॉन क्रिस्टल टू कन्वर्ट इट टू। यानी हमको डेंसिटी ऑफ इंप्योरिटी एटम क्या करना निकालनी है, कब, जब ये क्या करा सिलिकॉन इंट्रिंसिक सिलिकॉन क्रिस्टल में क्या कर रहा, जब ये मिक्स कर रहा है, मिक्स करने के बाद ये कन्वर्ट कर दे रहा कितने पे 10^-1 ओम मीटर पी टाइप सिलिकॉन, 10^-1 ओम मीटर एन टाइप सिलिकॉन। और आपको मोबिलिटी दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन की और होल की मोबिलिटी दी है, तो बताओ कैसे करोगे। तो हम लोग उधर चलते हैं सोल्यूशन, आप करोगे तो आ जाएगा। डेंसिटी निकालनी है एन टाइप में पी टाइप में, पहला क्या है, पहला नंबर क्या है 10^-1 कितना ओम ओम मीटर पी टाइप सिलिकॉन। यानी इसमें हमको क्या करना, इसमें यानी पी टाइप में क्या होता है एक्सेप्टर होता है। देखो क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा है, देखिए इंप्योरिटी डेंसिटी ऑफ इंप्योरिटी एटम, डेंसिटी डोनर होता है एक एक्सेप्टर होता है, बताया था ना। तो यही हमको क्या करना है, ये निकालना है हमको, ये निकालना है। तो चलो वी नो दैट, आपको पता है अभी सिग्मा विल बी इक्वल टू क्या पढ़ा था, सिग्मा विल बी इक्वल टू, भी फार्मूला पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं सिग्मा विल बी इक्वल टू यानी ई म्यू एच, यही तो पढ़े थे ना। अगर डेंसिटी रखनी है तो इसकी जगह क्या रख देंगे, यानी क्योंकि पी टाइप में क्या होता है एक्सेप्टर डेंसिटी होती है, तो यहाँ एन ए है, ई है, अब म्यू एच है, हमको एन ए चाहिए, सिग्मा बाई ई म्यू एच हो जाएगा। ठीक है ना, तो बताओ क्या करोगे। और सिग्मा बराबर क्या होता है 1/ρ होता है, ठीक। चलिए एन ए विल बी इक्वल टू 1/e μh into ρ, ठीक। तो आगे चलिए हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं, इसे कैलकुलेट करिए, यानी सारी वैल्यू बताइए। रो आपको गिवन है, रो आपको इसमें नहीं गिवन है क्या, पहले इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखता हूं, ये ई है बच्चों, ई 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। अब म्यू एच कितना गिवन है बच्चों, देखो उधर पीछे 0.05 दिया हुआ है ना, और आपको ये ओम मीटर रो दिया है, ये रो ही है, इंटू कितना 10^-1। अगर कंडक्टिविटी दी होती तो यहाँ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स लिखा होता, यानी विल बी क्वेश्चन, इसे जब सॉल्व करोगे 1.25 इंटू 10^21 मीटर आता, पर मीटर क्यूब आता। बात समझ में, ओम मीटर लिखा तो यहां से पता चल जाए, क्योंकि रो की जो यूनिट होती है ओम मीटर होता है, सिग्मा की ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, ओके।
चलो पी टाइप के लिए बताओ आप लोग, सेकेंड नंबर फॉर पी टाइप, डायरेक्ट बताओ पी टाइप के लिए क्या होता है, सॉरी एन टाइप के लिए, पी टाइप के लिए तो हो गया, एन टाइप के लिए, एन टाइप के लिए डोनर होता है ना, तो रो बाई कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई ई म्यू ई हो जाएगा, और सिग्मा की वैल्यू वन बाई रो होते क्योंकि रो की वैल्यू मुझे दिया है, एन डी विल बी इक्वल टू वन बाई ई म्यू ई इंटू कितना रो, एन डी विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, म्यू दिया है कितना गिवन है 0.13 ना, क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिए, उसके बाद रो कितना गिवन है 10 पावर माइनस 1, इसे सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा हमको 4.8 इंटू 10 दी पावर 20 पर मीटर क्यूब। कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम्स आपको करने पड़ेंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना है बस, ओके, बाकी सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे से ना। ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे आप लोगों को, आप लोग करिएगा ठीक, मैं कितना कराऊंगा। हाँ थोड़ा पीछे कर दीजिए, एक बार और क्वेश्चन लिख लें, 12 वाले और ऊपर हो गया आगे। चलिए ठीक है,